सब यही बताते हैं। अब ये अल्लाह के रसूल ने हमको बता दिया, कब से बता दिया, अल्लाह ने बता दिया, उसके रसूल ने बता दिया, हमारे पास हज़ारों सालों से ये चीज़ें मौजूद। लेकिन अब हम आदमी सुकून तलाश करता है, डॉक्टर के पास जाता है, फिलोसोफर के पास, फिलोसोफर उसको बताता है, सुनाता है, व्याख्यान देता है, फिर वो सुकून ढूंढने के लिए मोटिवेशन लेक्चर के अंदर जाता है। इतना मोटिवेशन भरा हुआ है दीन के अंदर, इतनी कुरान की आयतें मोटिवेशन के लिए, इतना जो है उसके अंदर हमारे पास में अल्लाह के रसूल सल्लम हदीस है, इतना मोटिवेशन उसके अंदर भरा हुआ है, सलफ़ के अकवाल किताबें पढ़े, इतना मोटिवेशन उसके अंदर। लेकिन हम क्या करते हैं, मोटिवेशन स्पीच सुनने जा रहे हैं, 10,000 फीस, 5,000 फीस, वो आता है आदमी सामने, मोटिवेशन उसको कर देता है और वो जो बाहर से निकलता है, बस अब दुनिया जीत लूँगा, उसके अंदर बन जाता है वह। लेकिन घर जाता है, सोता है, सुबह वापस वही हालत। ये जिंदगी में प्रैक्टिस से आता है, एक दिन मोटिवेशन लेक्चर सुनने से नहीं हो जाता कि आदमी सुन ले। आप देखें इंटरनेट पर भी, आप देखें सबसे ज़्यादा व्यू किसके होते हैं, मोटिवेशन लेक्चर आप देखें उसके व्यू, हम उस पर भी देखते हैं तो उनके व्यूज लाखों करोड़ों लोग उनके देख चुके, क्यों, उनसे उनको सुकून मिल रहा है। लेकिन प्रैक्टिस नहीं जिंदगी, तो रोज रोजेने का मरहला है। इसलिए इस्लाम ने हमको सिखाया कि तुमको रोज रोजेना ये काम करना है, रोज काम करना है। और साहबा करते थे, साहबा अल्लाह के रसूल से आकर पूछा करते थे, कि अल्लाह के रसूल पूछते साहबा आकर साहबा से कि आज किसने गरीब को खाना खिलाया, साहबा कहते वो सबसे आगे कौन करते, अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने किया। आज किसने मुसाफिर को रास्ता दिखाया, मैंने दिखाया। आज किसने ये नेकी की, मैंने की। आज किसने किसको पानी पिलाया, मैंने पिलाया। आज किसने किसका बोझ उठाया, मैंने पिलाया। नहीं, तमाम रोज के काम थे, इसलिए सुकून में रहते थे। तो रोज करना है, एक दिन मोटिवेशन लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होता है। तो हम ये देखें तो इसके लिए क्या करना था, रोज की प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, तो फिर होगा। तो सब फिलोसोफर भी यही बताते हैं। और उसके बाद में जो डॉक्टर के पास में ये कि भाई खर्च करो, दूसरों को तुम खुशी दो तो तुम्हें खुशी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली। तो ये दिल को सुकून मिलता है, और ये अल्लाह के रसूल हमको कब से बता दिया।